आस्क मुफ्ती तारिक मसूद नाखून काटने के बाद कहाँ फेंकें नाखून काटने के बाद उन्हें कहाँ फेंकें क्या दफनाना ज़रूरी है या कचरे में भी फेंक सकते हैं रकवान साहब गुजरात से देखें इस बारे में हमें और सुन्नत से कोई वाजे रहनुमाई नहीं मिलती कि नाखून काटने के बाद कहाँ फेंकें लेकिन क़ुरान सुन्नत का मिजाज ये है कुरान इन्सान और सुन्नत इंसान और इंसानी अजा की तज़ीम का कायल है तो बाल ये इंसान के जो नाखून है ये भी बहरहाल इंसान के पार्ट का एक हिस्सा होते हैं तो इसलिए उनको लेट्रीन में वॉशरूम में फेंकना या बिल्कुल ऐसे घर में सहन में फेंक देना ये भी नफासत के भी खिलाफ है और इंसानी तज़ीम के भी खिलाफ है इसलिए कहते हैं जब नाखून आप काटें तो कम अज़ कम वाशरूम में ना फेंकें इनको या ऐसे ही क्यारी में फेंक दें दफन हो जाएंगे उसमें ख़ुद ब खुद ही या ये कि बाहर ले जा के कहीं फेंक दें तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि छः महीने से नाखून लेके घूम रहा है कोई जगह ही नहीं समझ में आ रही कहाँ फेंकने उसने तो बस ऐसी गंदी जगह पे ना फेंकें जो बहुत ही बहुत ही नजासत वाली जगह होती है क्योंकि भहरल इंसान के जिसम से निकला हुआ एक उसके ओजूफ़ का एक यानी इंसानी ओजूफ़ का एक पार्ट है तो उसकी तोहन ना की जाए तो और घर में भी ना उसको ताज़ीम भी जायज़ नहीं है कि आपने घर में उसको शीशे की डब्बी में ऊपर रख दिया तो दरमिया राह इश्तीय करनी चाहिए इस बारे में बाज़ लोग बहुत इसमें टेंशन लेते हैं कि जी समंदर में फेंकना चाहिए अब नाखुन काट के कौन जाएगा समंदर में फेंकने के लिए और बाज़ कहते हैं दरिया में बहा दो तो वो भी एक टेंशन है तो इस्लाम में इतने तकल्लुफ़ा नहीं हैं हमें नहीं मिलता कोई साहबी नाखुन ले के कहीं जा रहे हो सफ़र करने के लिए जी दरिया में फेंकूँगा तो ऐसे ही मिट्टी में फेंक सकते हैं आप इनको आस्क मुफ्ती तारिक मसूद